एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे डाटा बेस के क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें टॉपिक होगा हमारा सीक्वल बेसिक एंड सीक्वल डाटा डिफिनीशन। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन डिलीटिंग रिलेशन एंड रिलेटिंग स्कीमा, ए डीएमएल, बी डीडीएल, सी क्वेरी एंड डी रिलेशन स्कीमा। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा बी हमारे, यानी कि डीडीएल, डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज। सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग provide the ability to query information from the database and to insert tuple into delete tuple from and modify tuple in the database, a dml। तो इसमें हमारा हो जाएगा दूसरे का ए dml, database data manipulation language। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, create table employee name worker है, identifier है। तो इसका पूछा जाएगा कि what type of statement is this, किस तरह की statement है ये बताना है। तो यहाँ पे तीसरे का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे b, यानी कि DDL है, या सिर्फ अभी डाटा डिफिनीशन है। यहाँ पूछा गया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लाई, इसका मतलब क्या है, किस तरह का स्टेटमेंट है। तो यह हमारा है फोर्थ नंबर, वो है यानी कि DML है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। फिर पूछा गया यहाँ पे कि द बेसिक डाटा टाइप कैर इज ए लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग एंड वेयर कैर इज लेंथ कितना होता है। तो पांचवें का आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे सी, यानी कि हो जाएगा फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स लेंथ होता है इसका, वर्कर होता है वेरिएबल होता है। छठवां है, एन एट्रीब्यूट ऑफ डाटा टाइप वर्कर हैज द वैल्यू ए बी, द एट्रीब्यूट बी ऑफ डाटा टाइप कैर हैज रीड, हियर एट्रीब्यूट ए हैज स्पेस एंड एट्रीब्यूट बी हैज कितना स्पेस है, बताना है स्पेस, बताना है कितना स्पेस है इसके बीच में, अभी के बीच में कितना स्पेस है और इसके बीच में कितना स्पेस है ये बताना है। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारे यहाँ पे, वह हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा, यानी कि 320, यानी कि इसके बीच में तो तीन ही स्पेस है और इसके बारे में बात करें तो 20 स्पेसेस में लिया गया है। सेवन वो क्वेश्चन है, टू रिमूव ए रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल डेटाबेस वी यूज द कमांड, कौन सा कमांड का यूज करते हैं अगर रिमूव करना हो। तो सातवें का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी कि ड्रॉप टेबल का यूज करेंगे हम। आठवां है, डिलीट फ्रॉम आर, इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा एक्शन परफॉर्म करता है। तो आठवें में ये हो जाएगा बी हमारा, यानी कि क्लियर रिलेशन एंट्री। नौवां, इंसर्ट इन टू स्ट्रक्चर वैल्यू, यहाँ पे ये है स्मिथ है बायोलॉजी और ये हमारे चार वैल्यू दिए हैं, इंसर्ट किया गया है तो बताया गया कि कौन सा स्टेटमेंट है। तो नाइन का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। टेन क्वेश्चन है, अपडेट दैट वायलेट आर डिसअलाउड, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा। तो टेन का ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे ई, यानी कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट।